गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 28 जून 2022। आइए देखते हैं कि मंडे क्या क्या एक्टिविटीज हुआ है ऑन डिफरेंट करेंसी पेयर्स एंड आने वाले दिन में, आज और आने वाले दिन में क्या क्या एक्टिविटीज हो सकता है। बिफोर स्टार्टिंग, आप सभी को धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। रिक्वेस्ट वंस अगेन, ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। जिन्होंने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी को रिक्वेस्ट है कि ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं नया नया कंटेंट लेके आऊँगा तो पहले ही आपके पास इंटीमेशंस आ जाए। डॉलर इंडेक्स, जैसे कि देखेंगे ये जो एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के लो को कल ब्रेक कर चुका है, लेकिन 17 जून के लो को ब्रेक कर नहीं पाया है। बिकॉज ऑफ विच अभी हमें इंतजार रहेगा कि आज या कल 27th ऑफ जून का लो को नीचे क्लोज दे, तभी जाके हम एक और थोड़ा सॉफ्टनेस यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉलर रुपी कल एक बहुत ही इन यूएस मार्केट एक बहुत ऊपर की तरफ देखा गया है एंड इट ट्रेडेड हाई ऑफ 78.54। बाय दैट पर्टिकुलर मूवमेंट ये जो चैनल का ब्रेकआउट का टारगेट था, ये टारगेट अचीव कर चुके हैं। हमें एक्चुअली 18 जून ऑनवर्ड्स ये 17 जून का लो के नीचे क्लोज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर ये क्लोज दे देता तो हमारा जो एक्सपेक्टेड रेट टारगेट होता देन 77.35 से 77.40 एंड इसके नीचे अगर क्लोज देता तो 76.8085 के तरफ टारगेट हो सकता था, लेकिन प्राइस जो है एक भी दिन इसके लो के नीचे क्लोज नहीं दिया एंड फॉलो थ्रू नहीं था, रेडर ये ऊपर के तरफ ही जा रहा है। दैट बीइंग द केस, यहाँ पे डॉलर रुपए का काफी डिमांड है एंड हमें जब तक एक अच्छा सा सेलिंग के लिए इंडिकेशंस ना मिले तब तक बाय डिप्स ही करना चाहिए। जीबीपी डॉलर में कल एक डोजी कैंडल फॉर्म हुआ है एंड इट ट्रेडेड इन बिटवीन 1.2332 एंड 1.2238। जब तक ये 16th जून के रेंज को ब्रेक नहीं करता है तब तक आइदर साइड में हमें कुछ ज़्यादा मूवमेंट दिखा नहीं जाएगा। काफ़ी विद इन दैट पर्टिकुलर रेंज चौपी वॉलेटल मूवमेंट एक्सपेक्टेड हो सकता है। तो अभी हमें 16 जून के रेंज के बाहर जीबीपी डॉलर को ट्रेड करने का इंतजार रहेगा। यूरो डॉलर में देखते हैं, यूरो डॉलर में कल अच्छा खासा एक कंसोलिडेशन ऑन द हायर साइड देखा गया है एंड इट ट्रेडेड इन बिटवीन 1.0547 एंड 1.0615। अभी हमारा जो इमीडिएट टारगेट है ये बेसिकली 22 जून के रेंज के ऊपर, 22 जून का नहीं, 16 जून के रेंज के बाहर क्लोज देना चाहिए, जो अभी तक दिया नहीं है। कल टच किया था, उसके ऊपर थोड़ा सा ट्रेड किया लेकिन फिर दोबारा इस रेंज के 16 जून के रेंज के नीचे क्लोज दे चुका है। इसके हाई के ऊपर क्लोज देना है, तभी जाके 1.0650 एंड उसके हाई के ऊपर 1.0775 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉलर येन में कल एक अच्छा सा ऊपर की तरफ प्राइस देखा गया है एंड इट ट्रेडेड इन बिटवीन 134.52 एंड 135.55। हमारा जो इंतजार है ये है आपका 23 जून का लो, 23 जून के लो के नीचे अगर क्लोज दे देता है एंड ऑल्सो ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज दे देता है देन एंड ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट सम सॉर्ट ऑफ गुड सेल ऑफ। लेकिन यहाँ पे जब तक ये नहीं दे देता है तब तक हमें ये बाय डिप से देखना है, अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है। जीबीपी आईएनआर में देखते हैं, जीबीपी आईएनआर में इट ट्रेडेड इन बिटवीन 95.86 एंड 96.52। हमें ये 16 जून का रेंज का इंतजार होगा, इसके हाई के ऊपर ब्रेक करना है या लो के नीचे। हाई के ऊपर ब्रेक करेगा देन वी मे एक्सपेक्ट ए मूव टुवर्ड्स 98.25 से 98.30 के तरफ। जब तक ये रेंज के अंदर में रहेगा तो छोटा छोटा कैंडल्स ही बनाएगा एंड शार्प क्विक एंड रैपिड वॉलेटाइल मूवमेंट्स एक्सपेक्टेड होगा। यूरो आइनर में कल ये जो 16 जून का रेंज है उसके हाई के ऊपर कन्विंसिंगली क्लोज दे चुका है, अभी हमें एक्सपेक्टेशंस है ये 85.5060 के तरफ।
उसके ऊपर हमें नेक्स्ट लेवल देखना है। ये NINR में देखेंगे, ये NINR में पिछले दो दिन ये एक आपका ट्विजर टॉप बनाया हुआ है, बट ट्विजर टॉप का लोकेशन बराबर नहीं है, नाइदर ऑन द टॉप ऑफ द ट्रेंड है और ना ही ये ट्विजर टॉप बॉटम ऑफ द ट्रेंड में है, ये इन बिटवीन में है। सो इट्स अ पॉज कैंडल, एनीथिंग अबव द हाई वी मे इट मे टेक इट टुवर्ड्स 0.59 से 0.5930 के तरफ। डॉलर कैंडी में कल एक छोटा सेल ऑफ देखा गया है एंड इट ट्रेडेड इन बिटवीन 1.2917 एंड 1.2864। अभी हमें इंतजार है 16 जून के लो के नीचे, जैसे 16 जून के लो के नीचे क्लोज देगा तो हमें एक सेल ऑफ दिखा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उस सेल ऑफ का पहले का जो सपोर्ट होगा 1.2800 एंड 1.2800 या 1.2775 के नीचे अगर क्लोज दे देता है देन वी मे एक्सपेक्ट इट टुवर्ड्स 1.2690 के तरफ। ऑसी डॉलर में देखते हैं क्या एक्टिविटी हुआ है। कल इट ट्रेडेड इन बिटवीन 0.6958 एंड 0.6907। दैट बीइंग द केस ये एक साइडवाइज कंसोलिडेशन कर रहा है एंड इस रेंज के बाहर इसको निकलना है। डॉलर CNH में हमें इंतजार है 16 जून के लो के नीचे का क्लोज, जो अभी तक दे नहीं रहा है, तो बिकॉज ऑफ विच एक छोटा छोटा प्राइस मूव कर रहा है, नाइदर ऑन द वेरी मच ऑन द हायर साइड नॉर ऑन द लोअर साइड। यूके ऑयल में देखेंगे कि कल एक अच्छा खासा पुल ऊपर की तरफ मूव देखा गया है एंड इट ट्रेडेड इन बिटवीन 111.28 एंड 116.01 और आज सुबह से भी ये एक ऊपर की तरफ जा रहा है। आप अगर हमारा वीकली एनालिसिस देखोगे तो हमारा एक एंटिसिपेशन है कि ये सेंटरमेंट के यहाँ पे दैट इज 117.50 के आसपास आने के बाद रेजिस्टेंस लेता है या नहीं लेता है। अगर ये इस लेवल के पास रेजिस्टेंस लेता है देन वी कैन एक्सपेक्ट ए गुड सेल ऑफ टूवर्ड्स 108.50 के तरफ। 10 ईयर यूएस ट्रेजरी देखेंगे तो ये भी कल ऊपर की तरफ एक उछाल देखा गया है एंड इट ट्रेडेड इन बिटवीन 3.123 एंड 3.219। दैट बीइंग द केस हमें अभी देखना है कि ये आपका 23 जून का लो को तोड़ता है या नहीं तोड़ता है। 23 जून के लो को अगर तोड़ देता है देन इट विल बी मेकिंग लोअर हाई लोअर लो विच इज ए वेरी गुड ट्रेंडेड मूवमेंट। अगर ये प्राइस नीचे ना आके आपका 21 जून का हाई को तोड़ दे देता है तो ये लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन को निगेट कर जाएगा एंड मार्केट विल बी ए चॉपी मूवमेंट। सो हमें अभी इंतजार है ये 21 जून का हाई को तोड़ रहा है या 23 जून का लो को तोड़ रहा है। तो करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो एंड धन्यवाद।